मैं आ गया हूँ वापस। लगता है पापा कल्टीवेटिंग कर रहे हैं, तो मैं जाता हूँ उनके पास, देखता हूँ किस तरीके से वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये तैयारी है सोयाबीन की फसल की बुवाई के लिए। अच्छा, खेत में काफ़ी सारे बगुले भी आए हुए हैं, ये मेहमान बगुले हैं। जब भी हमारा खेत कल्टीवेट होता है या किसी का भी खेत, किसानों का खेत कल्टीवेट होता है, तो ये बगुले खाने के लिए आ जाते हैं। अब डेफिनेटली ये खाएंगे तो ईल, कीड़े मकोड़े, तो ये सारी चीज़ें ये लोग खाते रहते हैं। और ये मेरे पिताजी हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। चलो हम देखते हैं बगुलों को कि बगुले क्या कर रहे हैं। और ये बगुले आतंक मचा रहे हैं एक तरीके से। अभी इनका आतंक आप देखना जब बारिश चालू होगी, क्योंकि जितने भी ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं, बारिश आने के बाद क्या होता है कि सारी ज़मीनें पानी से भर जाती हैं, इनके जो घर होते हैं वो भर जाते हैं पानी से, और फिर क्या करते हैं वो सब बाहर निकलते हैं। और उनको खाने के लिए फिर बगलों की, कौवों की, सभी टाइप के पक्षियों की, रेंगने वाले जानवरों की, सबकी पार्टी यहाँ दावत चालू हो जाती है। तो यही है आज हमारे पास। आप लोग कंटिन्यू वॉक कीजिए अपना। अभी शाम के 7 बज गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं यहाँ से वापस यू टर्न लूँगा 5-10 मिनट यहाँ पे रह के, और आप भी अपना वॉक कंटिन्यू रखिए। टारगेट रखिए कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तो आप एटलीस्ट चली जाएं, ताकि आपको जो भी हल्की पुल्की समस्याएं हैं, जैसे एसिडिटी है, ये डेफिनेटली आप कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को, तो ये रिजोल्व होगी ही होगी। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।